अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल एस एन ऑफिशियल। आज की नई वीडियो में बात करने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की जानिब से अनाउंस की गई नई वैकेंसीज़ का। तो इनके मेन पेज पे जाकर चेक करते हैं कौन कौन सी नई वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। आप गूगल पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ सर्च करेंगे तो आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की वेबसाइट नीचे जॉब का पोर्टल शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने जॉब का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नई एप्लीकेशन यानी कि नई वैकेंसीज अपलोड की गई हैं, तो जाके चेक करते हैं क्या क्या उनमें वैकेंसीज हैं, क्या क्या उनके क्राइटेरिया होगा अप्लाई करने का। इनकी जो एंड डेट है वो 23 दिसंबर 2022 है। इसे हम यहाँ डाउनलोड करते हैं, आपके सामने PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो उसके अगर रिव्यू करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज, क्या क्या पोस्टें हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपके सामने कुछ फाइल अपलोड की गई हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो आपसे रिलेटेड है वो नीचे अवेलेबल है, उसको हम रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो जॉब अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है वो सीनियर लीगल एडवाइज़र इन लीगल डिपार्टमेंट की जॉब है। इसके जो जो उसकी जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो आप तौर पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो स्किल्स जो आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड की गई है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बैचलर और मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है लॉ में। इसके अलावा 7 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर्ड किया गया, और एटलीस्ट 2 साल का आपसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यानी कि रेलवे के जो फील्ड लॉ के फील्ड में है वो रिक्वायर्ड किया गया है। इसके अलावा आपकी जो स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स आपके रिक्वायर्ड की गई हैं। इसके अलावा आपसे विलिंगनेस टू ट्रैवल है। इसके अलावा वर्कलोड की जो होती है, उसके अलावा जितनी ऑफिस लेवल की स्किल्स होती हैं आपसे वो रिक्वायर्ड की गई हैं। आप इसमें आप चेक कर सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसमें जो मेन चीज़ और अप्लाई करने का तरीका किस तरह होगा, आपने इनके ईमेल पर आपने अपने तमाम अपने पोस्ट अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं ज्वाइन, ठीक है, IAS की जो यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट ईमेल आपकी अवेलेबल होगी, जो कि आपने 23 दिसंबर 2022 लास्ट इसकी डेट होगी अप्लाई करने की, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट होगी उसको भी हम रिव्यू कर लेते हैं। नीचे आप ड्रैग करेंगे तो नीचे आपके सामने पोस्ट अवेलेबल होगी। एक वो जॉब का नाम है, पोस्ट का नाम है जनरल एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट की जॉब होगी। उसका जो डिपार्टमेंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसका जॉब का जो डिपार्टमेंट होगा इसका जो क्राइटेरिया है वो भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। इसमें बैचलर और मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। इसके अलावा आपसे जो स्किल्स रिक्वायर्ड किए गए हैं वो प्रोफेशनलिज्म के, कम्युनिकेशन के, नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का, टीम वर्क और विलिंगनेस आपसे स्किल्स रिक्वायर्ड किए गए हैं। इसके अलावा आपसे जो एक्सपीरियंस वगैरह मैं वो गाइड करता हूँ, एक्सपीरियंस इन द पोस्ट प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। आपसे कोई बेसिक जो कोई आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई कितने साल का आपसे एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर्ड है, लेकिन आपसे एक्सपीरियंस आपको इसके जॉब के मुताबिक होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके MS ऑफिस वगैरह स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स वगैरह आपसे रिक्वायर्ड किए गए, और कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड किए गए हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका इस तरह होगा कि आपने सेम ईमेल पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ से इस जॉब इस मेल पर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने। इसके अलावा इसकी डेट होगी लास्ट वो 15 दिसंबर 2022 होगी। तो गाइस ये थी आज की दो पोस्टें जो कि रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जानिब से अनाउंस की गई थी। हमने इनका आज रिव्यू किया। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे आपके जो कैंडिडेट्स हैं आपके शेयर करने से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।